वही अमूल को दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए एक साहसिक कदम में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ यानी GCMMF ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डेयरी बाजार में कदम रखा है। यह ऐतिहासिक लॉन्च पहली बार है जब अमूल की ताजा दूध रेंज ने सीमाओं को भी पार किया है और भारत का स्वाद अमेरिकी तटों तक पहुंचाया गया है। अमेरिका की 10वीं सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साझेदारी करके GCMMF ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी व्यापार में एक महत्वपूर्ण प्रगति की शुरुआत की है। GCMMF के प्रबंधक निदेशक जैन मेहता ने MMPA के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और अमूल दूध की अच्छाइयों से अमेरिकी और भारतीय दोनों उपभोक्ताओं को पोषण देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आपको बता दें यह रणनीतिक गठबंधन अमूल को वैश्विक डेयरी पावर हाउस में आगे बढ़ाने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ सहजता से संरेखित करता है। That Amul shall be launching its fresh milk products in the United States of America. I'm happy to inform that we have tied up with an 108-year-old dairy cooperative in US, the Michigan Milk Producers Association. And this announcement was done at their annual meeting on 20th March at Detroit in US. This is for the first time Amul Milk, the fresh product range, will be launched anywhere outside India. And in a market like United States, which has a very strong Indian and Asian diaspora, we shall be launching the same taste and recipe of Amul Gold with 6% fat, Amul Shakti 4.5% fat, Amul Taza 3% fat, Amul Slim and Trim 2% fat milk, the same product which we are selling in India in the US market.